हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फेस्टिव सीरीज़ की साड़ी हॉल। इसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइनर साड़ीज़ लेकर के आई हूँ, जो मतलब सिर्फ मीशो में ही आपको मिल सकते हैं इतने कम प्राइस में। और कुछ जो साड़ीज़ है डिज़ाइनर साड़ीज़ की रेप्लिका है, जो कि सेलर बनाते हैं। जो डिज़ाइनर साड़ीज़ होती है वो 30-40-50,000 की जाती हैं। इनके सम्यक साड़ीज़ की कुछ रेप्लिका हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं काफ़ी सारी साड़ियाँ इनकी कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होती हैं इनकी साड़ियाँ। ऑल्सो इनके अलावा भी आप मीशो से जो भी परचेस करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज मीशो इंडिया की फेवरेट ऐप है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे हम कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं ना और बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं भैया सही सही लगा दो, तो मीशो में आप कुछ भी चीज़ें देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि प्राइस बिल्कुल सही सही लगाया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मीशो में मिल जाती हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और आपने अभी तक मीशो को नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज़ ऑफ और 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी दुर्गा पूजा, दिवाली, कपड़ों की शॉपिंग, घर की शॉपिंग जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाली साड़ी। अच्छा, ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये भी मीशो से ही है। इससे पहले जो मैंने डिजाइनर कुर्ता सेट हॉल किया है मीशो का, उसमें आपको काफी अच्छे अच्छे सेट्स मिल जाएंगे, उनमें से एक ये वाली है। उसकी रिव्यू आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं इस साड़ी की। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत से रानी पिंक कलर की साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है वो चंदेरी सिल्क मटेरियल में है, और फैब्रिक मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस साड़ी की जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको सिर्फ शादी पार्टी में पहनना है एक से दो बार, तो आप डेफिनेटली इस साड़ी की तरफ जा सकते हो। यदि आपको सिल्क की साड़ियाँ वगैरह पहननी आती है, अच्छे से प्लेट्स वगैरह बनाने आते हैं, तो आप इस साड़ी को पहन पाओगे। इस साड़ी में आपको पूरे में इस तरह के गोटा पत्तियन सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, बहुत ही हैवी वर्क है। और पूरी साड़ी में आपको ब्रोकेट का वर्क मिल जाएगा। तो साड़ी तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ही, जो इमेज में दिखाई गई थी सेम टू सेम वही डिज़ाइन दी गई है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको यहाँ डिज़ाइन मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पूरे इस तरह के गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा पूरी ही साड़ी में। ये आप देख सकते हो पूरी ही साड़ी में ये आँचल का पार्ट है, एंड ये है आपके पूरी साड़ी इस तरह की आएगी। पूरी साड़ी में आपको इस तरह के छोटे छोटे बूटे बूटे मिल जाएंगे। प्लस अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ऑल्सो इस साड़ी में जो आपको ब्लाउज की फैब्रिक मिलेगी वो इस तरह की प्लेन मिलेगी, जस्ट आपको ये बॉर्डर लगाई हुई मिलेगी। पूरी प्लेन साड़ी की ब्लाउज मिलेगी कुछ इस तरह की, और पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरह की मिल जाएगी। ऊपर नीचे दोनों ही इस तरह के बॉर्डर लगाए हुए हैं, और पूरे में इस तरह का बूटा वर्क है। इस साड़ी का कलर डिज़ाइन, ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा बहुत मन था ये वाली साड़ी लेने का कि मैं वहीं से ले रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये मीशो में अवेलेबल हो जाएगी। डिज़ाइन सेम है, बट हाँ क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती होगी, फैब्रिक काफ़ी अच्छी होती होगी। ये नॉर्मल जो सिल्क चंदेरी सिल्क मटेरियल होता है ना वो है, बट डिज़ाइन सेम टू सेम है। और प्राइस इसकी आई थिंक 1500 या 1600 रुपीज़ है, उसकी 35,000 रुपीज़ है ओरिजिनल वाली की। तो इस तरह की है ये साड़ी, और इसको डेफिनेटली मैं पहनने वाली हूँ स्टिच करा के, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह की आपको साड़ी में पूरे में आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा, एंड ये है आँचल का पार्ट। तो ये है हमारी फर्स्ट साड़ी, जो कि दशहरा में, दिवाली में, करवा चौथ के लिए आप परचेस करना चाहो तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी सम्यक साड़ी की ही रेप्लिका है, और ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल में, और ये बहुत ही सुंदर कलर में है, कुछ इस तरह के ना, जो लाइट ग्रीन कलर, काई ग्रीन कलर बोलते हैं ना, उस तरह के ग्रीन कलर में है। और उसमें पूरे में इस तरह के पेस्टल कलर के थ्रेड वर्क किए हुए हैं, लाइक लाइट ऑरेंज, येलो, पिंक, ग्रीन, इस तरह के पूरे में वर्क किए हुए हैं। जो इसका आँचल है वो कुछ इस तरह का है, ये पार्ट जो है वो आँचल में आएगा, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पूरी साड़ी के नीचे में आएगा, और ऊपर के साइड में आपको जस्ट ये पतली सी बॉर्डर बनाई हुई मिल जाएगी। तो मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ, इस तरह की है ये साड़ी। नीचे पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिलेगा, मैं पहन के आपको दिखा दूंगी। ऑर्गेन्जा की फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह की आएगी ये पूरी साड़ी, और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह की आपको काफ़ी हैवी वर्क वाली ब्लाउज़ मिल जाएगी। ये हो गया आपका फ्रंट, एंड ये हो गया आपका बैक। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वर्क है, जैसा कि आप देख सकते हो।
है ना, तो ये वाली साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब टोटली डिज़ाइनर पीस है ये। इसकी प्राइस भी 2000 रुपीज़ के अंदर ही, और क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके नाउ साड़ीज़ के साथ मैंने यहाँ पे एक लहंगा भी लिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। ओनली 1600 रुपीज़ की ये लहंगा है, बट वर्थ बाइंग है गाइज। यदि आप लहंगा लेने का सोच रहे हो ना, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये मस्टर्ड येलो कलर एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है साड़ीज़ और लहंगा में। पिंक एंड मस्टर्ड येलो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर, ये आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाली ये लहंगा मिल जाएगी। मेरे पेड़ ये नकली है। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर मिल रही है इस वाले लहंगा में, और पूरे में सीक्वन वर्क है और 2 लेयर्स है, 1 एंड 2 यहाँ पे लेयर्स है, और पूरे में आपको इस तरह का सीक्वन वर्क मिल जाएगा। अंदर में लाइनिंग भी लगाई हुई है, ये सेमी स्टिच्ड है, ये आप देख सकते हो सैटिन की लाइनिंग लगाई हुई है। प्लस इस तरह की है ये स्कर्ट, स्कर्ट ऑलरेडी बहुत ही सुंदर है मेहंदी वगैरह के फंक्शन में पहनने के लिए, तो परफेक्ट लहंगा है ये। प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, और आप अपनी हल्दी में या फिर किसी और की हल्दी में पहनना चाहते हो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नाउ इसकी जो ब्लाउज की फैब्रिक दी गई है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दी गई है। इससे जब आप एक ब्लाउज बनवाओगे तो डिज़ाइनर लहंगा बन के रेडी हो जाएगी। ब्लाउज भी जैसे दिखाई गई थी बिल्कुल वैसे ही दी हुई है, कुछ इस तरह की, ये देख रहे हो आप, यहाँ से इस तरह से आएगी ये ब्लाउज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। कलर बहुत ही प्यारा रानी पिंक कलर है, और इसमें पूरे इस तरह के जरी एंड सीक्वन का वर्क किया हुआ है, चीप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड जो बैक की फैब्रिक है वो प्लेन दी गई है, एंड स्ट्रेप्स के लिए आपको कुछ इस तरह की लेस लगाई हुई मिलेगी, जो कि आप यहाँ पे ऐसे लगवा सकते हो ऐसे। बहुत ही सुंदर पीस है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इस लहंगा को ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद आपको मिलेगी एक 2 मीटर की दुपट्टा, जो कि नेट की दुपट्टा है। दुपट्टा भी मस्टर्ड येलो एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है, कुछ इस तरह की जरी का वर्क है, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस दुपट्टा की। इस लहंगा को जैसे ही मैंने मीशो में देखा ना, मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ में काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी इसकी तारीफ़ की हुई है, एक्सेलेंट लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी ऑर्गेन्जा की साड़ी है, ये थोड़ी अफोर्डेबल साड़ी है, बट इसका डिज़ाइन पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मैंने यहाँ पे ये लाइक पीच कलर है, पीच एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, बट वहाँ फोटो में थोड़ा लाइट दिख रहा था, बट एक्चुअली में थोड़ा उससे डार्क है। तो ये गोटा पत्ती वर्क वाली साड़ी है, मुझे गोटा पत्ती वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह की आपको साड़ी में इस तरह का गोटा पत्ती वर्क मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। इस तरह से साड़ी में आपको ये आँचल है, गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, ऊपर के साइड में पतली पतली गोटा पत्ती की लाइनिंग लगाई हुई है, एंड पूरी साड़ी में आपको कहीं कहीं पे इस तरह से गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, और ऊपर और नीचे दोनों में ही आपको गोटा पत्ती की लाइनिंग लगाई हुई है, और इस तरह की ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है। प्लस इसमें जो आपको ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है वो कुछ इस तरह की दी हुई है, चंदेरी मटेरियल, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, आपको लाइनिंग वाइनिंग लगा करके स्टिच करानी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको इस तरह के 2 डिज़ाइन मिलेंगे जो आप अपने स्लीव्स में डलवा सकते हो। तो ये भी सिंपल सोवर से साड़ी है, पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ऑर्गेन्जा की फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, तो आपको इस तरह के गोटा पत्ती वर्क पसंद आते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ओके नाउ जैसे कि दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा में जो बंगाली लोग होते हैं वो मोस्टली क्रीम कलर या फिर रेड कलर या फिर रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इस तरह से पहनते हैं, तो मुझे जब ये वाली साड़ी दिखी तो मैंने सोचा कि हाँ ये दुर्गा पूजा के लिए बिल्कुल सही साड़ी है। ये गोल्ड एंड ऑफ वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, प्लस इसकी क्वालिटी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस तरह से इसमें पूरे चेक पैटर्न बना हुआ है पूरी साड़ी में, और ऊपर के साइड में आपको कुछ इस तरह की बॉर्डर लगाई हुई मिल जाएगी, लेस लगाई हुई मिल जाएगी, और ये रफल वाली साड़ी है, नीचे में आपको कुछ इस तरह के रेड कलर के रफल्स मिलेंगे लगाए हुए। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, ये पहनने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। ये जो साड़ी, ये है साड़ी का आँचल वाला पार्ट, मतलब आँचल में आपको कुछ इस तरह के रफल लगाए हुए मिल जाएंगे, नीचे में पूरी साड़ी में आपको रफल लगाए हुए मिल जाएंगे, फिर पूरी ये चेक वाली साड़ी है, ये आप देख सकते हो, फुल लेंथ की साड़ी है। एंड इसमें आपको ब्लाउज की जो फैब्रिक मिलती है वो रेड कलर की मिलती है, ये अलग से इस तरह के पाउच में है,
इस तरह के सैटिन की आपको फैब्रिक दी गई है रेड कलर की, पर आई थिंक रेड कलर के ब्लाउज तो हर किसी के पास होते हैं, तो आपके पास भी स्लीवलेस या फिर हाफ स्लीव्स या फिर फुल स्लीव्स की रेड कलर के ब्लाउज है तो आप पहन सकते हो। इस तरह की आपको 80 सेंटीमीटर यहाँ पे ब्लाउज की फैब्रिक दी हुई है, तो ये साड़ी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दुर्गा पूजा वगैरह में ना, दुर्गा पूजा या फिर काली पूजा में पहनने वाले हो तो डेफिनेटली साड़ी को ट्राई कर सकते हो। ये साड़ी मैरिड और अनमैरिड दोनों पर ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो है इस तरह की येलो एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में। ये नेट की साड़ी है, बट इसके नेट गाइज इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी नेट, और इसमें जो वर्क किया हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसका वर्क नहीं देखा तो फिर क्या देखा। ऊपर के साइड में आपको कुछ इस तरह के वाइट कलर की थ्रेड का वर्क मिलेगा, और साड़ी के आंचल में कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाई हुई है, और नीचे में पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिलेगा। साड़ी की क्वालिटी मतलब साड़ी की जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, और ये जो वर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। तो इस तरह की आपको पूरी साड़ी मिल जाएगी, मतलब पूरी ही साड़ी में आपको नीचे के साइड में कुछ इस तरह का वर्क मिलेगा और ऊपर के साइड में कुछ इस तरह का पूरी साड़ी में। और उसके बाद जो आपको ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है वो इस तरह की कलरफुल दी गई है, मतलब वाइट कलर में इस तरह के पूरे थ्रेड वर्क किए हुए हैं मल्टी कलर से। ये फ्रंट हो गया एंड ये बैक हो गया, तो इस तरह की आपको फैब्रिक दी हुई है ब्लाउज़ के लिए। बट आई थिंक इस साड़ी के साथ सैटिन मटेरियल में ना येलो कलर की ही ब्लाउज़ पहन लो तो यू ज़्यादा अच्छी लगेगी वाइट कलर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ येलो कलर की ही ब्लाउज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी आप देख सकते हैं, आपको मे बी येलो कलर के साथ ही पहन के दिखाऊं तो आप फिर समझ जाओगे कि आपको किसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड जो हमारी लास्ट साड़ी है, इसमें कलर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशन में, और इस साड़ी की जो फैब्रिक है ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो घर पे पहनने के लिए फेस्टिवल्स वगैरह में, या फिर नॉर्मली आप घर पे पहनने के लिए साड़ी देख रहे हो, लेना चाहते हो, तो आप ये साड़ी ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है, कलर आपको इसमें 3-4 मिल जाएंगे, फिर 5-6 भी है, मुझे याद नहीं है, पर कलर्स हैं इसमें। तो इस तरह से आपको पूरी साड़ी में गोटा पत्ती की 3 लाइनिंग बनाई हुई मिलेगी, प्लस यहाँ पर इस तरह की लेस लगाई हुई मिल जाएगी, और इस तरह की लहरिया प्रिंट वाली साड़ी है ये। इसमें आप ग्रीन कलर की ब्लाउज पहन सकते हो तो ये साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। पूरी साड़ी इस तरह की है, प्लेन साड़ी है पर काफी ज्यादा खूबसूरत है ये साड़ी। इस तरह की ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड येलो एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, और जो ब्लाउज की फैब्रिक दी गई है वो कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की दी हुई है, साथ में आपको यहाँ पे ये लाइनिंग लगाई हुई मिल जाएगी। सो ये साड़ी नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, घर पे पहनने के लिए डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने मंगाई हुई थी मीशो से काफ़ी सही प्राइस में। तो आपको इनमें से किसी भी साड़ी को परचेस करना है तो सभी के कोड जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपने अभी तक मीशो नहीं ट्राई किया हुआ है तो नीचे लिंक भी है, डाउनलोड लिंक, उससे आप डाउनलोड करोगे तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बस आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। और यदि आप डिज़ाइनर सूट का कलेक्शन देखना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, या फिर मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें इस वाले कुर्ता सेट के साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ये थोड़ी सी लूज है मुझमें, मुझे इसको फिटिंग करानी है, अभी लूज है, काफी ज्यादा लूज है, इसलिए थोड़ी सी सही से नहीं आ रही है, अदरवाइज ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।